नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लुनारिजिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फ्लुनारिजिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फ्लुनारिजिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि फ्लुनारिजिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में फ्लुनारिजिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। फ्लुनारिजिन टैबलेट का उपयोग माइग्रेन को ठीक करने के लिए किया जाता है। माइग्रेन होने पर बहुत तेज सिरदर्द होता है। माइग्रेन का सिरदर्द ज्यादातर सिर के एक हिस्से में होता है, लेकिन माइग्रेन का दर्द पूरे सिर में भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में माइग्रेन का दर्द होने पर सिरदर्द होने के साथ साथ उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि लक्षण भी हो सकते हैं। इसके अलावा चक्कर आने की समस्या को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर फ्लुनारिजिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। फ्लुनारिजिन टैबलेट 5 mg व 10 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लुनारिजिन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। फ्लुनारिजिन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। फ्लुनारिजिन टैबलेट को शाम के समय लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर फ्लुनारिजिन 5 mg टैबलेट या फ्लुनारिजिन 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। लेकिन फ्लुनारिजिन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको फ्लुनारिजिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना फ्लुनारिजिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लुनारिजिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में फ्लुनारिजिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में फ्लुनारिजिन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नींद अधिक आना, शरीर का वजन ज्यादा होना, शरीर में थकान होना, भूख का बढ़ना, कब्ज, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में बेचैनी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में फ्लुनारिजिन टैबलेट की वजह से मुंह में सूखापन, त्वचा पर रैशेस, सिर चकराना और नींद न आने की समस्या हो सकती है। अगर आपको फ्लुनारिजिन टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लुनारिजिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में फ्लुनारिजिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। डिप्रेशन होने पर और पार्किंसंस डिजीज होने पर फ्लुनारिजिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना फ्लुनारिजिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। फ्लुनारिजिन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि फ्लुनारिजिन टैबलेट की वजह से कुछ व्यक्तियों को नींद ज्यादा आने की समस्या हो सकती है। फ्लुनारिजिन टैबलेट केवल माइग्रेन के अटैक को होने से रोकती है। फ्लुनारिजिन टैबलेट माइग्रेन की वजह से हुए सिरदर्द को ठीक नहीं करती है। इसलिए फ्लुनारिजिन टैबलेट को माइग्रेन की वजह से हुए सिरदर्द को ठीक करने के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में फ्लुनारिजिन टैबलेट काम नहीं करेगी। अगर किसी व्यक्ति को फ्लुनारिजिन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को फ्लुनारिजिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं फ्लुनारिजिन टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए फ्लुनारिजिन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को फ्लुनारिजिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को फ्लुनारिजिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए
आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका फ्लुनारिजिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।